सरकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और गंभीर आरोप भी इस दौरान लगाए हैं। आपको मैं बता दूं, डीएम कार्यालय पहुंची जो है कार्यकर्ताओं ने इस दौरान डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम जो है सौंपे पत्र में समस्याओं के निदान की बात कही गई है। और समस्याएं क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना, मानदेय समय पर नहीं आ रहा, उसका निराकरण किया जाना। और ऐसे में जो है आपको मैं बता दूं, जो रिटायरमेंट का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, कोई पैसा नहीं दे रहे, वो पैसा दिया जाए, तो यही प्रमुख मांगे हैं जो इसी को लेकर यूपी में लगातार धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी धरना प्रदर्शन हो जाता है। जैसे कि परसों हमने जाना कि एक संगठन जो धरना प्रदर्शन कर रहा था, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का भी धरना प्रदर्शन हमें देखने को मिला। तो इसी तरीके से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, और खैर ठीक है, क्योंकि अगर लगातार धरना प्रदर्शन अगर करते हैं, अनिश्चितकालीन उत्तर प्रदेश में होते हैं, तो समझा जा सकता है कि गर्मी भीषण है, और ऐसे में जो है कई लोग जो है गर्मी का शिकार भी हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश के सागर जनपद में क्या हुआ कि वहाँ पर जो है एक दो मौतों की खबर भी निकल कर आई जो दुखद थी, और गर्मी भीषण, इस कारण से जो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करना एक चुनौती तो होता ही है। और इसी के साथ ही जो है मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ हमें खबरें भी प्राप्त होती है आपके द्वारा, मैं लगातार देख रहा हूँ आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं सभी का जो है आपकी खबरों को सभी को कवर करने का काम करने वाला हूं। तो आप अपनी अपनी जो है खबरें हैं प्रेषित कर सकते कोई भी कार्यक्रम की 7398683128 इस नंबर पर, एक साथ सभी खबरें जो है प्रेषित कर दी जाएंगी। और अगर एक दो लोगों की खबरें आती तो प्रेषित नहीं करते हम लोग, इकट्ठा जो है आप 10-15-20-25 लोगों की हो जाए तो एक साथ जो है प्रेषित कर देंगे, चिंता मत करें आप लोग। हाँ, और चलिए मैसेज पर चलते हैं। और इसी के साथ ही जो है मैं देख रहा हूँ टाइम का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, और जैसे कि आज जो है दो बड़े पर्व हैं, ईद है और इसी के साथ ही अक्षय तृतीय, परशुराम जयंती। तो सबसे पहले इन सभी पर्वों की आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई, और बड़े पर्व हैं तो इस कारण से आज छोटा सोचा था मैंने कि छुट्टी ले ली जाए, लेकिन आप लोगों से जो वादा किया है कि छुट्टी मेरी बहुत कम होगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा छुट्टी ही ना लूँ, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों से इतना ज़्यादा लगाव हो चुका है, इस कारण से मैं छुट्टी लेना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन उस पर जो है हम गौर नहीं करेंगे, गौर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो है कोशिश रहती है, रेयर से रेस्ट मैटर होते हैं तभी हम जो छुट्टी लेते हैं, वैसे तो अवकाश जो है हमारा नहीं होता है। आज भी देखिए, संडे को भी देखिए, आपका कभी छुट्टी नहीं ली जाती है। खैर, अब मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा जो है फैसला हुआ है, बड़ा फैसला क्या हुआ इसको समझिए। अगर आप कोई लेटर या फिर नोटिस वगैरह देखना चाहते हैं तो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर फेसबुक पेज को ज्वाइन करिए, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्ट लाइक और फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर जो है काफ़ी अपडेट मिलती रहे। देखिए, आंगनबाड़ी भर्ती का मामला है, देखिए प्रमाण पत्र की बात जो है ख़त्म होगी, आय प्रमाण पत्र की इनकम यानी पैसे वाली बात वहाँ पर हो रही है, मेरिट से भर्ती होगी, शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में भी बदलाव की तैयारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती सेवा नियमावली भी संशोधित होगी। तो एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी यहाँ पर निकल कर आई है। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले जो लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से खबर है, तो उत्तर प्रदेश से खबर नहीं है, उत्तराखंड सरकार की ओर से खबर है। इसमें संशोधन आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही भर्तियाँ आ रही हैं, तो इस कारण से उनको लग रहा होगा उत्तर प्रदेश, नहीं ऐसा नहीं है। सबसे पहले उत्तराखंड से खबर है, क्या क्या होगा इसमें बदलाव वो जान लेते हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए आय प्रमाण पत्र की बात तक खत्म कर देंगे, जबकि आयु सीमा से अच्छे की योग्यता में बदलाव किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती सेवा नियमावली जो होगी, और संशोधन के प्रस्ताव को कार्य विभाग ने जो है मंजूरी दे दी है, विभाग से मंजूरी मिल चुकी, विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती अब मेरिट के आधार पर होगी, खाली पदों पर भर्ती के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्थान पर मिनी कार्यकर्ताओं को पहली वरीयता दी जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, जबकि सहायिका को दूसरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को तीसरी, एवं विधवा महिला के वरीयता के चौथे स्थान पर रखा गया, जबकि परित्यक्ता महिला को वरीयता की सूची से हटाए जाने का प्रस्ताव है। परित्यक्ता का मतलब यह है कि जैसे कि तलाकशुदा वाली मैटर आ जाता ना, तो वो शैक्षिक योग्यता से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट, एवं सहायिका के लिए 8वीं से बढ़ाकर हाईस्कूल रख दी गई है, जबकि आयु सीमा 18 से 45 बढ़ाकर जो है 21 से 45 वर्ष रखी गई है। नियमावली में भी प्रस्ताव है कि अब तक इसी के साथ ही आपको बता दें, गाँव में भी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, जबकि इससे पहले मजरों में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन, मजरा समझ लीजिए जो भी स्थानीय भाषा है, आंगनबाड़ी का चयन होता है, लेकिन संशोधन नियमावली में जो है तोक व मजरों को हटा दिया गया है। तो उत्तराखंड सरकार ने संशोधित आंगनबाड़ी कर्मियों की नियमावली जारी की है, इसमें जो है आय प्रमाण पत्र की बाध्यता को हटाया गया है, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, और इसी के साथ ही जो है रेखा आर जो है उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री, इनकी ओर से भी एक बड़ा बयान निकल कर आया है। ठीक है,
एक मिनट रुकी, इसको मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट न्यूज में कट कर दूँ, सेव हाईलाइट। हाँ तो आप